माई YouTube चैनल लर्न विद शुपू। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स क्या होता है और इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वो होता है जो मतलब कि जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, इंटीजर्स जो होते हैं डेसिमल में नहीं होते हैं, ना ही अपॉन में होते हैं। जैसे कि हम इंटीजर्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं और ना ही कभी हम इंटीजर्स इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इंटीजर्स का ही पूछा जाता है कि इंटीजर्स का लाइन क्या होता है, तो इंटीजर्स का लाइन हम बनाते हैं। इंटीजर्स का लाइन जो होता है इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव डिजिट। और जीरो जो होता है ना इधर प्लस में होता है, ना ही माइनस में होता है, तो ये बस इंटीजर्स कहलाएगा। ओके, और अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि आप एक रूल जानते होंगे, जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 होता है। तो हम इसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए माइनस थ्री है और यहाँ पे प्लस फोर दिया जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? माइनस थ्री प्लस फोर कितना होगा? माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस माइनस, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। थ्री और ये कितना जाएगा? तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हमें पूछा जाता है माइनस थ्री फोर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, माइनस थ्री या प्लस फोर? तो प्लस फोर बड़ा है, तुम ऐसे कर देंगे। अब एक आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि कौन सा असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग है, तो उसमें ही प्लस माइनस में अंतर ढूंढा जाता है। और एक बात और, माइनस में ये होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस में, जैसे 100 हो गया, 100 जो होता है तो वो ना सबसे छोटी संख्या होगी माइनस में, और माइनस वन जो होगा वो बड़ा संख्या होगा। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जैसे 97 माइनस 36 प्लस का 44 22 और 27। ओके, तो हमारे इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन सा है? ये है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसका सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि सबसे छोटा संख्या करना पड़ेगा, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटा संख्या 36। मैं भी आपको बताई थी कि जैसे माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा वो सबसे छोटा संख्या कहलाएगा, तो 36 है। पहले वैसे तो हम लाइन में माइनस का नेगेटिव वाला करते हैं, तो नेगेटिव में 36 आएगा, तो माइनस 36। और जैसे माइनस 22 है तो इससे बड़ा माइनस 22, फिर इससे बड़ा 27, फिर इससे बड़ा 44, उससे बड़ा 97। ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसलिए क्वेश्चन आता है एक डिसेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 27 माइनस 1 6 2 94, तो इसमें हम कैसे करेंगे, माइनस का 99 है ये, तो इसका हम करेंगे इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारा 94 है, तो हम यहाँ पे पहले 94 लाएंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या कौन सी है, उससे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी 27, उससे छोटी संख्या 6, उससे छोटी 2, फिर उससे छोटे 2 से छोटा कौन सा है, तो माइनस 99, ठीक है, तो माइनस 99 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर्स, ठीक है। और एक होता है जैसे कि हमें इंटीजर्स के लाइन बोलेगा करने के लिए, इंटीजर्स लाइन बोलता है कभी कभी करने के लिए, तो क्वेश्चन उसमें ऐसे आ जाता है कि 3 मोर देन 5, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए पहले हम इसमें करेंगे इंटीजर्स का लाइन करेंगे, पहले 0, पहले बीच में 0 आता है, इसमें माइनस पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव का आता है, तो माइनस सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 9, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, अगर आपका मतलब कि माइनस का नहीं पूछा तो आप माइनस का नहीं भी करें तो चलेगा, आप लाइनिंग में बस पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो इसे पूछा है मोर देन 3 मोर देन 5, तो इसमें मतलब कि 5 के आगे हमें 3 करना है, 1 2 3, मतलब कि 5 के आगे 3 बढ़ना है, 3 लाइनिंग में बढ़ना है, तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स का लाइन, ठीक है, ओके, थैंक यू।